आबूजी ना का आबूजी प्लीज खामोश बैठो प्लीज, गंदे आदमी आए थे। नहीं नहीं तुम खामोश बैठो, कुछ भी नहीं करते। क्या करते? अबू जान है, अबू जान प्लीज, अबू जान आ जाओ। हेलो ले जो करना है जल्दी से चलो। सूट कैंट में पैसे थे आपके? सूट कितना? कितने थे? साढ़े चार लाख थे। साढ़े चार लाख रुपए। क्या चीज़ के लिए लाके रखे थे पैसे? वो लैपटॉप कंस्ट्रक्शन चल रहा है जी, उसके लिए लाके रखे। नीचे पड़ गए सैफो, यहाँ नीचे भी है। एक्टिवा की है सैफो, वहाँ एक्टिवा क्या साइड में भी है, साइड में पीछे भी क्या मैं लेट हाँ है। आज करीब 5 बजे असर के बाद एक घर पे नौक आया, बाहर निकले तो गाड़ी की हटाने की छोटी सी बात पे एक करीब 50-60 आदमी का मजमा था जो घर के अंदर घुस गए। घर के अंदर घुसने के बाद दरवेश नाम का लड़का है, उसकी एज मेरे को अंदाज़ा नहीं है, वो सबसे पहले मारा मुझे। सामने एक एंट्रेंस का डोर था, वो डोर तोड़ दिया, उसके हाथ में तलवार थी, वो तलवार से मारा मेरे सर पे, यहाँ लगी तलवार की नोक जो थी वो यहाँ लगी। उसके बाद एक्चुअल में 4 अटैक किए गए और करीब 4 अटैक के बीच में कॉन्स्टेंटली मैं 100 नंबर पे कॉल कर रहा था, बट आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजंस द नंबर वाज नॉट रीचेबल टू मी। सो मैं क्या किया, नेक्स्ट डोर बंद करके पलट के भागा तो पीछे से मारा मुझे अंदर। दूसरे और तीसरे अटैक में अंदर घुस के उसके पास रिवॉल्वर है, वो लाइसेंस्ड है या नॉन लाइसेंस्ड है नहीं मालूम, वो रिवॉल्वर यहाँ लगा कि आज तेरा खिस्सा ख़त्म बोल के बोला। और मेरे मम्मी को मारे, मम्मी की चेन थी मंगलसूत्र जो था वो खींचे या मम्मी को पूरे निशाना है जी भाई। छोटी सी बात थी भाई, गाड़ी हटाने की बात के ऊपर इतना लंबा चौड़ा चंदाना कर दिया। मस्जिद मस्जिद की दीवार बन रही, गाड़ी आने जाने का रास्ता नहीं है। हमारे घर की गेट के बिल्कुल बाजू रख के है गाड़ी, उनके घर की तरफ भी नहीं जाती क्योंकि उनकी कार जाने के लिए रास्ता नहीं हो रहा, पैसेज नहीं है, वो सब इतना अच्छी है बोलो। और दूसरी चीज़, 4.5 लाख कैश था, हम फ्राइडे से काम शुरू करने वाले थे। दूसरे घर का बेडरूम में कैश रखा हुआ था, अंदर घुस के बेडरूम में तोड़ फोड़ करके पूरा कैश लेके चले। अभी तो कंप्लेंट दी है, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, अभी एक्शन लेंगे बोले, लेकिन इतना है वहाँ पे हमारे को जान का खतरा है। ये देखिए 5 बजे से शुरू हुआ, हम लोग 5 से 6:30 के बीच में 4 बार घर पे अटैक किए। पुलिस पूरे 3rd अटैक के बाद पुलिस आई, आगे हमको हॉस्पिटल भेज दिया। मेरे भाई दूसरे भाई जो थे 6:15 के आसपास, एक घंटे के बाद कॉन्स्टेंटली कॉल कर रहा था मैं, मेरे पास कॉल रिकॉर्ड्स में बता सकता हूँ, 100 नंबर पे कॉन्स्टेंटली कॉल कर रहा था, नॉट रीचेबल जी भाई। मैं KCR साहब से, असद साहब से, अंजनी कुमार से मेरी गुजारिश है, मेरी अपील है कि मैं मेरे बच्चे घर में बैठे हुए हैं, बच्चे दोनों भी काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, हमारे शौहर बाहर से आए, ये बच्चा कॉलेज से आया, खाना निकाले खाना खा रहे, ये लोग घर में घुस के खातिलाना हमला करें, उनके पास चाकू मौजूद है, तलवार मौजूद है उनके पास, गन मौजूद है उनके पास,
ये ख्वाजा पाशा मुस्तैदपुरा के दो बेटे 60 आदमी या 70 आदमी के मजमे को लाके करे। मालूम इसने हमको, हमको हम यहाँ आके हमारा घर नहीं होता, हमारा घर पुराने पुल पे बनने वाला है, कल से काम शुरू होने वाला है, तो पैसा लेकर आके हम यहाँ बैठे हुए छे, घर में घुस के हमला करें। नहीं कोई, हम यहाँ आके सिर्फ दो ही साल हो रहा हमारे से आते कुछ जाते कुछ सलाम करो कलाम करो बोले, तो हमारे बच्चे हम सलाम कलाम क्यों करेंगे, हम हमारी जगह बैठे, क्योंकि पहली बार तो बच्चे बाहर निकलते ही नहीं, वर्क फ्रॉम होम है। बड़ा बच्चा अमेजन में काम करता, सुबह 8 बजे से 5 बजे तक ड्यूटी है उनकी, दूसरा बच्चा 9 बजे से 5-6 बजे तक ड्यूटी है, तो हम इसी राह में बाहर क्यों निकलेंगे, क्यों इनसे झगड़ा फसाद क्यों करेंगे। जॉबों पे है, जॉब की हालत में मार के टाटा वालों का पूरा सत्यानाश कर दी, सिस्टम पूरा तोड़ दिया, सिस्टम कंप्यूटर लैपटॉप, वो बच्चे का लैपटॉप, हम क्या जवाब देना कंपनी वालों को, हम कहाँ से लाके देना मार के जी। नहीं इससे पहले भी अटैक हुआ, इससे पहले अटैक हुआ था कई बार झाड़ कटाओ, तुम बोले हम यहाँ किराए से, मकानदार साहब है उनको बुलाओ, पूछो बुला रहे, तू एल फैल गाली गलौज कर रहा, कंप्लेन दिए पुलिस में, कंप्लेन कर दिए पुलिस में, कंप्लेन कर दिए, झाड़ कटा, हाँ इससे पहले भी झाड़ नहीं कटा सकते हमने, हम बोले हमारा है नहीं ना, हम यहाँ फिर किराए से यहाँ पर झाड़ नहीं कटा सकते, बोले झाड़ के ऊपर, बोले फिर पपाई के झाड़ के लिए, बोलते बोलते हर दूसरे दिन आते गाली गलौज करते, ऐसा नहीं हम बाहर निकले बोल के लड़ाई नहीं निकलते, घर पे खटका मार के निकालते, पहले गेट पे मारे, दो गाड़ियां तोड़ दिए, बाहर गाड़ियां रखे हुए, हम खोले नहीं, हम निकले नहीं, ये बदमाशों गुंडों से हम काहे को बसेरा करेंगे। यहाँ आए ध्यान खाने के दरवाजे पे आए, आके ये रोडा है, ये रॉड से मार के दरवाजा तोड़े, मेरे ऊपर भी हमला करे, बच्चे को यहाँ तलवार लगा दिया, दूसरे बच्चे को, बड़े बच्चे को यहाँ गन लगा दिया, धनाधन मार रहे, घर में ध्यान खाने में घुसे, नहीं कुछ नहीं, हम पूछ रहे हैं कई को मार रहे हैं, मैं तो गंदे गंदे गालियां दे रहा हूँ, मैं बोली चलो बच्चे बाहर निकले, घुरम घुरी हुई लड़े हुई, बोले तो क्या कुछ भी नहीं, क्या भी नहीं, 50-60 का मजमा था पूरा, हाँ पूरे लेडीज भी थे, लेडीज भी आके बच्चे की कमर पे झाड़ की लकड़ी लाके मार रही, उस और एक राड़ा लेके उसमें भी मार रही, जानी नुकसान मानी नुकसान, तकरीबन 6-7 लाख का घर से गया, मेरे गले में मंगलसूत्र है, यहाँ से ऐसा घसीट के यहाँ लेके आया मेरे को, लाके मारा मेरे को बच्चे को, 4.5 लाख नगद, 50,001 जो पाकिटों में रखे हुए थे, आज फर्स्ट है, आज सैलरी आई हुई थी, पैसा पूरा यहीं पर रखा हुआ था, पुराना पुल पे घर है हमारा, वहाँ काम शुरू होने वाला था, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो उन्होंने क्या बोला मैं थोड़ी देर से आता हूँ, आके पैसे दे दो, इंजीनियर तो पैसा हाथ में रखा हुआ था, यहाँ पर बैग में रखा हुआ था, आया घुसे मारना शुरू कर दिए, कुछ भी नहीं, क्या भी नहीं, हम कुछ बोले नहीं, चलो हमारी जाति दुश्मनी नहीं, कोई जमीन का झगड़ा नहीं, कोई घर का झगड़ा नहीं, कोई जायदाद का झगड़ा नहीं, ना बच्चे बाहर निकले तो घुरम घुरी हुई लड़ाई हुई, बोले तो कहेगी बच्चे तो सुबह से शाम तक घर में ही रहते, अगर आपको यकीन नहीं है तो टाटा में काम करता बच्चा आप वहाँ भी दरियाफी कर ले सकते, अमेजोन में काम करता बच्चा वहाँ भी दरियाफी कर ले सकते, उनका सामान पूरा यहीं से रखा हुआ है, टाटा वालों का अमेजोन वालों का, बोल रही ना मैं को बड़ा फेरोस, दूसरा दरवेश और उसका तीसरा भवने जाफर, उसकी माँ, उसके दो बीवियाँ, एक काम वाली बुरखा ओढ़ के, उसके सबूत मेरे पास है, आपको मैं वीडियो डाल देती हूँ, इतनी मार मारे हैं हम लोग, बेदशा बेखसूर, क्या करते कर ले जा रही, अरी तुरी बे इंतहा, हाँ कंप्लेन करें पीएस में फ़ोन करें, तो मेरा फ़ोन वहीं पड़ पड़ा हुआ है, हम आ रहे माँ, हो आ रहे आ रहे, बोरे पुलिस वाले भी कोई आए, बहुत अब आए, खूब मार पीट के हमारा पैसा लूट लिए, सब लुड़गा, जब तो कोई बात रही, तीन बार अटैक, जरी जरी देर को अटैक, हम संभले ही नहीं, ये बच्चे को मार लगा, इसको वो करे तो उसको मार कर, तो फिर अंदर घुस गए, दरवाजा तोड़ दिए, मार के उनकी गुंडागर्दी, तो देखो ये डोरा, ये वो डोर खोलो उधर का, जाके बेडशीट पे उठा के, गदे के नीचे से उठा के देख रहे, पूरा पूरा आखिरी सत्यानाश करे, हमारी कोई जाति दुश्मनी नहीं है, ना कोई जमीन, कुलसुम पिरा पीएस में कंप्लेन करें, हमारे शहर जाके बात करें, पुलिस वाले आए थे, हमारे को इंसाफ, हमारे को क्यों मारे, इसकी वजह मीडिया के सामने लाना, क्या हमारे को मारने की वजह क्या है भाई, हमारे को मेरे को, मेरे बच्चों को, मेरे शहर को क्यों मारे, क्यों हाथ लाना हमला करे, मैं वजह जानना चाह रही हूँ क्यों मारे,
घर में घुस के पैसा भी लूटे हमारा, उनको क्या दुश्मनी थी हमारे से, हमारे कन पैसा है मालूम है, कल से काम हमारा चालू होने वाला था, हमारा घर पुराना पुल पे है, ये बात पैसा बोल के मालूम था, कल से काम होने वाला है बोल के मालूम था, बस्ती में है ना सब, हम रहते पुराना पुल पे। कितने मौजूद थे आपके घर में आप लोग हमला होने से पहले? पांच लोग। हमेशा पांच लोग ही रहते हैं? पांच लोग ही रहते, पांच से बढ़ के नहीं। पांच लोग की फैमिली में है हम लोग, तीन बच्चे हैं, शौहर है, मैं, बस पांच लोग ही थे। इनको इतना मालूम था कि ये पुराना पुल पे घर है हमारा, कल से काम स्टार्ट होने वाला है, और इंजीनियर भी थोड़ी देर से आता मरा, तो पैसा हमारा यहीं ब्रीफ कस में रखा हुआ था। घर में घुस के ये खातिलाना हमला करे, मैं पूछ रही हूँ केसीआर साहब से, असद साहब से और इंजीनियर कुमार से, मेरे को मार के ये पूरा गला काट दिया मेरा, ऐसा खींचे खींचते सब, ये देखिए ये पैरों पर हाथों पर ये पूरा कांच फोड़े तो आँखें गिरी, गंदे गंदे गालियाँ, ये जख्मा कैसा बताऊँ, ये हाथ नहीं उठ रहा मेरा, कुछ ही नहीं, घर में घुस के मारे, कोई लड़ाई हुई नहीं, कोई झगड़ा हुआ, गाड़ी मारे बस जी, नाजायज मारे, नाजायज मारे। ये एक्चुअल में ये लोग की गुंडागर्दी गुंडागर्दी है हमेशा से, हर दो साल से हमारे को तंग कर दे रही, हम यहाँ हैं किराए से, क्यों हमारे को तंग कर रही, हम किसी के लेन में नहीं, हम किसी के देन में नहीं, हम किसी के अच्छे में नहीं, किसी के बुरे में, हमारे को वजह क्या है भाई मारने की, केसीआर साहब और अंजनी कुमार असद साहब से मेरा मुतालिबा है कि हमारे को मारने की वजह बताओ, क्यों हमारे पर खातिलाना हमला करें।